हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिक्सकैड के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सेक्शन स्टाइल कमांड के बारे में। सेक्शन स्टाइल का यूज़ होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये सेक्शन व्यू क्रिएट किए हैं इनके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है, हैच पैटर्न होता है या यहाँ पर टेक्स्ट होता है, वो सब चेंज करने के लिए हम यहाँ पर सेक्शन स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेक्शन स्टाइल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा ड्राइंग एक्सप्लोरर ओपन हो गया और इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आइडेंटिफायर, एरो, हैच, कटिंग प्लेन, बेंड लाइंस। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे ये हमारा एक डेमो दे रखा है प्रीव्यू विंडो के अंदर। तो जब हम यहाँ पर आइडेंटिफायर के अंदर कलर चेंज करेंगे तो ये हमारा आइडेंटिफायर का कलर चेंज कर देगा इधर, और पीछे की तरफ भी ड्राइंग के अंदर आप देख रहे होगे यहाँ पर भी हमारा आइडेंटिफायर का कलर चेंज हो चुका है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो आइडेंटिफायर के अंदर टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें टेक्स्ट स्टाइल पहले सेट करना पड़ेगा एक नया, जो भी आपको फॉन्ट कलर चाहिए, फॉन्ट टाइप चाहिए, वो हम टेक्स्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट की कितनी चाहिए, कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। फिर है ऑफसेट की, आपको यहाँ पर कितनी ऑफसेट डिस्टेंस चाहिए इसकी, वो आप यहाँ पर यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर है टेक्स्ट की पोजिशन, एंड ऑफ कटिंग प्लेन, यहाँ पर आप टेक्स्ट की पोजिशन अलग अलग जगह पर फिक्स कर सकते हो। तो अभी पोजिशन हम सेम एज इट इज़ रखते हैं। उसके बाद है एरो की, जो हमारे यहाँ पर ये एरो है इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर स्टार्ट सिंबल है एरो का, ये अगर आपको ओब्लिक चाहिए तो यहाँ पर ओब्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर ये हमारा जो एरो का स्टाइल है वो चेंज हो गया है ओब्लिक के अंदर। या आपको यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन चाहिए इसका एरो का सिंबल का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप इस एरो का सिंबल का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये रेड कर देता हूँ तो ये रेड एरो होगी। एंड सिंबल भी आप यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप एरो का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि अगर आपको एरो थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लीजिए। उसके बाद एरो की जो डायरेक्शन है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अवे करेंगे तो ये बार की साइड हो जाएगी एरो, अगर यहाँ पर टूवर्ड्स कटिंग प्लेन करेंगे तो ये टूवर्ड्स कटिंग प्लेन हो जाएगी। फिर है एक्सटेंशन लेंथ, जो एरो की ये एक्सटेंशन लेंथ है इसकी भी लेंथ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर 10 है तो आप यहाँ पर 20 एंटर कर सकते हो, और 50 जो भी आपको चाहिए। ओके, फिर है यहाँ पर हैच पैटर्न। हैच पैटर्न यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर हैच पैटर्न के ऊपर जाइए। जैसे अगर मुझे यहाँ पर ये जो हैच ANSI 31 है, अगर ये अगर चेंज करना है यहाँ पर, ये जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये हैच पैटर्न, तो यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर ये हैच पैटर्न चेंज हो जाएगा। और आपको वापस ही दूसरा अगर हैच पैटर्न अगर अप्लाई करना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये यहाँ पर हैच पैटर्न चेंज हो गया। अब इसका जो स्केल फैक्टर है वो भी आप यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितना भी स्केल चाहिए इसका वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। साथ में इसका जो कलर है, जैसे ब्लू चाहिए या ग्रीन चाहिए, वो आप इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर है एंगल की, जो हमारे ये हैच पैटर्न है इसका भी अगर आपको एंगल चेंज करना है, अभी जैसे यहाँ पर ये लाइनें इस एंगल में है, अगर आपको यहाँ पर ये चेंज करनी है ये भी आप चेंज कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर 90 ओके कर दीजिए तो बाद में ये लाइनें चेंज हो जाएगी, मगर अभी यहाँ पर इनका एंगल हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 0 के ऊपर रखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर कटिंग प्लेन, प्लेन लाइंस जो हमारी, वो हम हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से और शो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जो प्लेन लाइंस है ये अगर आपको डैश लाइन में चाहिए तो आप वो यहाँ पर इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हिडन लाइन है तो हिडन लाइन सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पर हिडन लाइन में कन्वर्ट हो गई। ओके, बाय लेयर अगर करना है तो बाय लेयर हो जाएगी, और कंटिन्यूस लाइन चाहिए तो कंटिन्यूस हो जाएगी। अगर आपको दूसरा अगर लाइन टाइप अगर यहाँ पर लोड करना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो, और इसका भी कलर आप यहां पर चेंज कर सकते हो। जैसे मैजेंटा करना तो मैजेंटा आ जाएगा। उसके बाद यहां पर लाइन वेट भी चेंज कर सकते हो आप कि इसकी थिकनेस कितनी देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एंड एंड बैंड लाइंस। एंड एंड बैंड लाइंस होती है यहां पर ये वाली जो यहां पर है, तो ये अगर आपको यहाँ पर चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे बैंड लाइन लेंथ है, एंड लाइन लेंथ है, ये चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो ये यहाँ पर ये कलर हो गया। अभी यहाँ पर इसका लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन चेंज करना है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर सेक्शन स्टाइल की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं।
अभी जैसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ खास चेंज नहीं नज़र आ रहा। वो किस लिए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सेक्शन प्लेन क्रिएट किया हुआ था पहले ही। अब जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर भी इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा सेक्शन व्यू लेता हूँ, फुल सेक्शन व्यू, और यहाँ पर ये ड्राइंग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ और फिर यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो अब की बार जो ये हमारा हैश पैटर्न आया है, ये हमारा कलर्ड आया है, और जो हमने हैश पैटर्न की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी यहाँ पर, वैसा ही यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर दोबारा अगर सेक्शन व्यू लेते हैं, फुल सेक्शन व्यू, और यहाँ पर ये ड्राइंग सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक, तो ये हमारा बीबी सेक्शन व्यू आ गया। तो यहाँ पर भी हमारी ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर सेक्शन स्टाइल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे डिटेल व्यू और डिटेल स्टाइल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय।